प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर बेटियां। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को और दूसरी ओर उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और दबंग वकील नाज़िया अली खान जी, और ये दोनों बात करेंगी हैदराबाद सीट के लिए ओवैसी वर्सेस माधवी लता पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार इन्फॉर्मेटिव और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नमस्कार नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजू जी थैंक यू सो मच। भारत माता की जय हो। ये बताइए कि माधवी जी ने हैदराबाद में तीर ऐसा क्या चलाया बिना धनुष के कि निशाने पर जाकर लग गया और कोई इतना बिलबिला रहा है। हमने एक गाना सुना है ना, हमेशा एक भजन, आय गिरी नंदिनी। मैं जब भी माधवी लता जी को मैं देखती हूँ, उनके स्पीचेस को मैं सुनती हूँ, तो मुझे वो बहुत मतलब महिषासुर के बारे में जो उसमें दर्शाया गया है उस भजन में, मैं उसको जरूर उन्हीं से मैं उनको जोड़ती हूँ। एक बहुत अच्छा स्लोगन भी अभी चल रहा है हैदराबाद की गलियों में कि जब से आई माधवी लता हो गए अवेसी लापता। तो ये बात सच है। और मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन अवेसी जिस हिसाब से फड़फड़ा रहे थे और खड़खड़ा रहे थे कि भाई इस बार तो मतलब लोकसभा इलेक्शन में वो बिहार में भी सीटें दे देंगे, वो बंगाल में भी सीटें दे देंगे, वो उत्तर प्रदेश में भी सीटें दे देंगे, वो मध्य प्रदेश में भी सीटें दे देंगे, उनको अपनी सीट में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि भाई साहब ये 48 डिग्री के गर्मी में शेरवानी जो है वो तर बतर पसीने से हो रहा है। और एक और अच्छी चीज मैंने देखी कि जो असदुद्दीन अवेसी और महिलाओं से, खवातीन से, औरतों से घिन करता था, जितना आदमी गू से घिन नहीं करता है, पेशाब से घिन नहीं करता है, उससे ज्यादा वो महिलाओं से घिन करता था, मुस्लिम औरतों से घिन और नफरत करता था। अभी वो माधवी लता जी को देखने के बाद कुछ काले काले टेंट वाली जिहादनों को लेकर के डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहा है। तो एक चीज तो जीत हो गई माधवी लता जी की कि मुसलमान औरतों की जरूरत असदुद्दीन अवेसी को अपने बगल में पड़ गई, जो 1984 से लेकर के 2019 तक के इलेक्शन में नहीं पड़ी थी। बाप दादा के जमाने से जो एक दिमाग में जो एक बैठा हुआ था कि भाई औरत जो होती है वो बिस्तर का सामान होती है या पैर की जूती होती है, पर माधवी लता जी ने लोहे का चना चिबवा दिया असदुद्दीन अवेसी को, और असदुद्दीन अवेसी अपने डोर टू डोर की कंपेनिंग में टेंट वाली जिहादनों को लेकर के घूमने पर मजबूर हो चुका है, और ये बताने पर और जताने पर कि देखो देखो सिर्फ माधवी लता औरत नहीं है, हम मुसलमान औरतों को भी, खवातीनों को भी साथ में लेकर के घूम रहे हैं। तो एक जीत तो इनकी यहीं पर हो गई। दूसरी चीज, मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगी कि जब वो माधवी लता जी कुछ बोलती है तब वो फड़फड़ाने लगता है, यहां तक कि ये भी कह दिया कि मुझे जहर देके मार दो। अकबरुद्दीन अवेसी ने परसों अपनी स्पीच में कहा है, क्या पता हम कब मर जाएंगे, क्या पता हम कौन से जेल में मर जाएंगे। तो ये जो वो बोल रहा है तो इसका मतलब है कि जोड़ा अवेसी इस बात को समझ चुका है कि ये सीट तो गई भैया हाथ से। असदुद्दीन अवेसी की जो बादशाहियत कर रहा था 1984 से लेकर के 2023 तक में, अब इसके बाद जो काला चिट्ठा खुलेगा अवेसी परिवार और अलायंस रजाकार के खानदान का जो चिट्ठा खुलेगा, कब्रिस्तान का पैसा अवेसी परिवार ने मारा, गटर नाला बनाने का पैसा अवेसी परिवार ने मारा, वक्फ बोर्ड लैंड माफिया के तहत सारा पैसा अवेसी परिवार ने मारा, मदरसा का पैसा अवेसी परिवार ने मारा, उसके बाद फिर स्कूलों का पैसा अवेसी परिवार ने मारा, उसके बाद फिर जितने भी कैंटोनमेंट प्रॉपर्टी थे उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा करवा करके अवेसी परिवार ने पैसा मारा, उसके बाद फिर रमजान के मौके पर जो बाहर से डॉलर और दरहम आता था उसको भी अवेसी परिवार ने मारा। तो ये सारे पैसे मारने का जो काला चिट्ठा खुलेगा, उस चिट्ठे के बारे में तो बात होगी ना, आलोचना तो होगी ना। देखिए ये लोग कब्रिस्तान के लिए कितना कितना छाती पीटता था, उत्तर प्रदेश का आजम खान भी पीटता था
और असदुद्दीन अवैसी भी पिटता कब्रिस्तान हज कमेटी हज कमेटी हज हाउस कब्रिस्तान। भैया हमारा अल कुरान हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा अल कुरान और हमारा इस्लाम और हमारा सुन्नत रसूल कहता है कि एक व्यक्ति जो मुसलमान है उसका इंतकाल अगर होता है तो उसको मिट्टी में दफन कीजिए, खुदा हाफिज कहिए और फूल चढ़ाइए और निकल पड़िए पैर दबा करके। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, नक्श और नक्काशी बन रहे हैं, इटालियन मार्बल और चाइनीज मार्बल से खबरें बन रही हैं और उसके बाद कब्रिस्तान में इंटीरियर डिजाइनिंग हो रही है, इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया जा रहा है, लाइटिंग हो रही है, बड़े बड़े दरवाजे बन रहे हैं, मोगलिया टाइप के दरवाजे बन रहे हैं। पैसा मारे हो तो इसका हिसाब कौन देगा वैसी साहब, इसका हिसाब तो माधवी लता जी मांगेंगी और मैं नाजिया इलाही खान मैं भी मांगूंगी। वक्फ बोर्ड के जरिया जितने भी कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी थी, जितने भी मदरसे की प्रॉपर्टी थी, जितने भी मस्जिद की प्रॉपर्टी थी, आपको आइडिया जरूर होगा क्योंकि आप एक जमाने से इतने बड़े चैनल की एंकर रही हैं, उसने सब पर मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स बनवाए। तो तुम करो तो रास लीला, हम बोले तो भी कैरेक्टर ढीला, ये कैसे कैसे चलेगा भैया, ये तो चलने नहीं देगा। अब आती है तीसरी बात, असदुद्दीन अवैसी फिर से दोहराया है कुछ दिन पहले, 15 मिनट 15 मिनट याद है ना, तो मैं तो इस बार कहती हूँ कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ही देते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस, और 14% को बता ही देते हैं कि 82.7% की ताकत क्या है, बता ही देते हैं, एक बार ऐसा कर ही लेते हैं। अरे जेल तो गांधी जी भी गए थे, जेल तो नेहरू जी भी गए थे, जेल तो इंदिरा गांधी भी गई थी, राजीव गांधी भी गए थे, तो जरा हम भी चले जाएंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। पर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा करके जरा अवैसी साहब को बता ही देते हैं कि 14% भारी पड़ता है कि 82.7% भारी पड़ता है। अब वैसे में रामनवमी के मौके पर जरा सा माधवी लता जी ने भावुक होकर के भगवान राम के मैं होकर के उन्होंने त्रिशूल क्या चला दिया कि धनुष क्या चला दिया कि अवैसी को लगा कि बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। अरे बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, सबसे पहली बात कि तुम ये अथॉरिटी किसने तुमको दिया कि तुम मस्जिद पे सादा सादा पर्दा लगाओगे, ये भारत है, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ शरिया नहीं चलता है। और अगर तुम लोगों ने मस्जिद पे पर्दा लगवा ही दिया, मस्जिद को अंडर बैरिकेड कर ही दिया, मस्जिद को छुपा ही दिया, तो धनुष कहीं भी जाए तुमसे क्या लेना देना है, तुमसे क्या मतलब है। तुम जब हिंदू के गलियों में आजान की गूंज भेजवाते हो तो कोई हिंदू तो कुछ नहीं बोलता है कि मेरे धर्म को ठेस पहुंच रहा है। तुम जब हिंदुओं के बाजारों में नमाज का मुसल्ला रमजान के जुमा में और ईद के नमाज के लिए बिछाते हो तब तो कोई हिंदू नहीं बोलता है कि हमारा भी दुकान इस मार्केट के अंदर है, तुमने क्यों बिछाया। जब तुम अवतार पार्टी हिंदुओं की जगह पर करते हो तब तो कोई हिंदू नहीं बोलता है कि तुमने यहाँ पर अवतार पार्टी का टेंट क्यों बनाया। जब तुम वजू करने के लिए तुम किसी भी पानी की जगह पर बैठ जाते हो, जब तुम ट्रेन पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम समुंदर के पास नमाज पढ़ते हो, जब तुम फ्लाइट पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम हेलीकॉप्टर पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम टैक्सी पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम ऑटो पे नमाज पढ़ते हो, जब तुम ब्रिज पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम फ्लाईओवर पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम हाईवे पे नमाज पढ़ते हो, तब तो कोई नहीं बोलता है कि हाईवे नितिन गडकरी जी ने बनाया, समुंदर की सफाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ट्रेन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और तुम तो कहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदुत्व की पार्टी है तो तुम इसका फायदा क्यों उठा रहे हो, तुम यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ रहे हो। असदुद्दीन अवैसी ने फ्लाइट में इंडिगो की फ्लाइट में नमाज पढ़ी है और अपना वीडियो करवाया है और वो वायरल भी करवाया है उसने, तो तुमने क्यों पढ़ा इंडिगो की फ्लाइट पर नमाज। एक माधवी लता ने धनुष क्या चला दिया कि तुम्हारे तो कलेजे पे सांप लौटने लगा और तुम मुसलमानों को ये बताने लगे देखो अब हिंदुत्व आ जाएगा। भैया हिंदुत्व गया कब था। तुम दया दृष्टि पर जी रहे हो और तुमको मानना पड़ेगा, और ये भारत है जहां पर तुम जैसा चिटिंगबाज मुसलमान को बर्दाश्त किया जा रहा है, और यही फतवा और यही खुतबा और यही भड़काऊ भाषण
तुम अरब में जाकर के। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजी अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे भारत की बेटी नाजी अली खान जी ने न सिर्फ ओवैसी को आड़े हाथों लिया बल्कि ओवैसी को 15 मिनट भी याद करवाए। और दूसरी ओर जैसे नाजी अली खान जी ने कहा, जब से आई माधवी लता ओवैसी हो गए लापता। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।